देखो देखो बेटा एक बार कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है, और उसका मास दे रखा है 15 किलो, कितना दे रखा है 15 किलो मास है, क्या है मास 15 किलो, और उसकी वेलोसिटी जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड, कितनी दे रखी है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। थोड़ा आराम से वरना सारा पता लग जाएगा तो क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है साफ। वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी गिवन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो वेलोसिटी है कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है वो कंटिन्यूअस है, मतलब उस पर किसी प्रकार का चेंज नहीं है, मतलब जो वेलोसिटी एक बार 4 मीटर पर सेकंड हो गई, देखो इसमें कंफ्यूजन था ना, मीटर पर सेकंड होती है ऐसा यूनिट है ना, इसको ऊपर लेकर चले गए तो यहाँ पर प्लस पावर बंद है, जैसे ही ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो एम मीटर पर सेकंड, मतलब इनवर्स हो जाएगी इसकी पावर, पावर क्या होगी इनवर्स। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वर्क किसके बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी है ना, कन्वर्ट करके हमने बताया था, लेकिन इसने सीधा ही काइनेटिक एनर्जी पूछा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है फार्मूला बताओ, तो यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी है, मास कितना है 15 किलो, कितना किलो 15 किलो, यहाँ पे लिख दो 1/2 15, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना गिवन है ये बताओ 4 मीटर उठाओ 4 मीटर पर सेकंड उठाओ, यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 को 2 बार गुणा करना है, कितनी बार गुणा करना है 4 बार, करो इसका सॉल्यूशन 1/2 15 और 4 गुणा 4 काट दो 2 2 4 2 4 टेबल याद है 2 की 7 प्रॉब्लम 4 गुणा 8 और 15 28 कितना होता है 120। अब इसके पीछे यूनिट भी लगानी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो वर्क होता है हमारा वर्क होता है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है क्या होती है, लेकिन इसने पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है भाई जूल, क्या होती है जूल, तो इसके पीछे जूल लगा, जूल का सिंबल होता है जे, क्या होता है जे, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी 120 जूल, समझ में आ गया यस सर।